छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी नज़र लग जाती है, कभी कभी अब उनको पता बता तो सकते नहीं उनको दिक्कत क्या है, लेकिन कभी कभी वो रोते ही रहते हैं, उनको हम डॉक्टर को भी दिखाते हैं तब भी पता नहीं चलता क्या बात है। उस समय एक काम करना, भागवत के हिसाब से गौशाला में जाना, वहाँ जहाँ देसी गाय हो। देसी गाय किसे कहते हैं? जिसका यहाँ कमर उठी हुई होती है उसको देसी गाय कहते हैं, और वास्तविक में वही गाय होती है। हम उसी का दूध पीते हैं, हम और किसी का दूध पी ही नहीं सकते। हम जब अभी यहाँ ये यहाँ पर भी जब कथा करने आए थे, तो जब हमसे बात करने आए वृंदावन में गर्ग जी, तो हमने उनको भी कहा हमारे लिए एक व्यवस्था कर देना, हम दूध केवल देसी गाय का ही पीते हैं और नहीं पीते, क्योंकि गाय वही है, उसी का दूध भगवान पीते थे। तो देसी गाय के चरणों के नीचे से मिट्टी लेना और द्वादश अंग 12 अंगों में बच्चे के लगाना, सिर से लेके चरण तक 12 जगह पर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, पूरे 12 होने चाहिए, द्वादश अंगों में उस मिट्टी को लगाना, और फिर गाय की पूंछ से 11 बार भगवान का कोई भी नाम उच्चारण करके झाड़ा लगा देना, वो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। कहते हैं गाय उस बालक की पीड़ा को हर लेती है। ये हम आपको बड़ा अच्छा उपचार बता रहे हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए।